गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवल फ्रॉम द वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आई विल गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, और वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर सेकेंड। अब नाउ द क्वेश्चन इज वाई चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट इज नॉट वाई इज सो आई विल आंसर इट हियर। ठीक है, ये आपका सिलेबस दिख रहा है यहाँ पर। टोटल इसमें आपको टोटल 16 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो ऊपर का पार्ट है हमारा वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूड करते हैं, जो सेंटर पार्ट है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो लास्ट पार्ट है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इस मार्किंग स्कीम को अवॉइड करेंगे बिकॉज लास्ट ईयर ये काफ़ी चेंज हो गई है, तो इसको अवॉइड करते हुए हम हमारे सिलेबस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो चैप्टर जो है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसलिए हम इस चैप्टर को बाद में स्टडी करेंगे। हम जो अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ द आवर टॉपिक सॉल्यूशन। तो हमारे जैसा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन इज इट, सॉल्यूशन की डेफिनेशन या सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट वेयर कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो सबसे पहले हम इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर इज समथिंग व्हेन द टू प्योर कंपोनेंट्स मिक्स्ड विद ईच अदर, व्हेन द टू प्योर कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर इन अ अनसर्टेन लिमिट। ठीक है, और देयर नो विजिबल लिमिट इन द बिटवीन टू कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जिसमें क्या है, हम दो मिक्सचर को एक साथ मिक्स कर देते हैं। हमें होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर क्या मिक्सचर कहलाता है? आपने 11th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी डेफिनेटली। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तो दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो उनकी प्योर फॉर्म में होते हैं, और हमने उसको बिना किसी हमारे हिसाब से उन दोनों मिक्सचर को मिक्स कर दिया है, कोई भी उनमें सर्टेन वैल्यू लेकर नहीं, हमने सिर्फ हमारे हिसाब से उन दोनों मिक्सचर को मिक्स किया। तो एक तरह से हम क्या है, जो फर्स्ट वन मिक्सचर है वो सेकेंड वन मिक्सचर में क्या हो गया है पूरी तरह, सॉरी जो फर्स्ट वन कंपोनेंट है वो सेकेंड वन कंपोनेंट में क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दोनों मिक्सचर एक दूसरे से मिल तो जाएंगे। मैंने एक वर्ड बोला कि देयर इज नो सर्टेन लिमिट, यानी कि विजिबल लिमिट नहीं दिखती, यानी कि दो कंपोनेंट्स को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो वहाँ क्या है, दोनों में विजिबल लिमिट यानी कोई एक ही कंपोनेंट की प्रेजेंस दिखेगी हमें, जबकि हमको पता है कि हमने दो कंपोनेंट बना के लेकर एक मिक्सचर बनाया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम वाटर सॉल्ट या शुगर के एग्जांपल लेते हैं, यानी हम वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो हमको वाटर और सॉल्ट, अगर वाटर में सॉल्ट डालने के बाद हमको सॉल्ट विजिबल होगा क्या? अगर हम उसको प्रॉपरली मिक्स करके रख दे तो हमें सॉल्ट विजिबल नहीं होता है। तो वही है, वहाँ पर हमको जो मिक्सचर मिल रहा है वो कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जहाँ पर एक दोनों दो कंपोनेंट के बीच विजिबल लिमिट नहीं दिख रही। हमको दिख रहा है कि हम वाटर या सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं एक बार मिलाने के बाद, नहीं ना। तो वही होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन यही होती है कि जहाँ पर दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर देयर इज नो सर्टेन लिमिट विल विजिबल। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो वही सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं हम किसी दो और उससे ज़्यादा कंपोनेंट का। ठीक है, और उसमें क्या होगा, हमें कोई लिमिट नहीं दिखाई देगी, यानी कि वो मिक्सचर प्रॉपरली बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर हमको दो कंपोनेंट के बीच कोई डिफरेंस या लिमिट नहीं दिखाई देती है, दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे में इस तरह से मिक्स्ड होंगे कि हम क्या हो जाएगा, किसी एक ही कंपोनेंट की प्रेजेंस आंखों से देख पाएंगे। ठीक है, वो हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आपको तीन डेफिनेशन दिख रही है। फर्स्ट वन है द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे सॉल्ट और वाटर का, यानी कि दो कंपोनेंट हमारा, एक सॉल्ट हो गया एक वाटर हो गया,
तो ये वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम तीन कंपोनेंट्स ले लेंगे, द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाएगा हमारा? टर्शियरी सॉल्यूशन, जिसमें हमने तीन कंपोनेंट्स ले लिए हैं। उसके बाद द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ फोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाएगा? अगर हमने तीन से ज़्यादा यानी चार सॉल्यूशन या चार कंपोनेंट्स लिए सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या आएगा सॉल्यूशन की तीन टाइप पड़े हैं। मेरा बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा? दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होंगे, टर्शियरी जिसमें तीन, और क्वार्टरनरी जिसमें चार। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन को तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वैसे अगर हम इससे ज़्यादा सॉल्यूशन लेते जाएंगे, इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स लेते जाएंगे, उतने ज़्यादा इनके नाम बनते जाएंगे। तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम मेनली कि तीन टाइप्स देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी मेनली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर की जो स्टेट होती है उसके बेसिस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर से पहले बात करेंगे हम मैटर की डेफिनेशन के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर इज द समथिंग डेट हैज इज ओवन मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर वही होता है ना, यानी कि ऐसी सर्टेन थिंग जो कहीं ना कहीं स्पेस लेती हो और उसका खुद का कोई मास होता है, वो मैटर कहलाता है। आपने पढ़ा है ना इन टू, हम काफ़ी सिक्स से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और मैटर की कितनी स्टेट होती है मेनली? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। तो मैटर के स्टेट्स के बेसिस पर हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज वन इन विच अ सॉलिड इज द सॉल्यूट एंड द लिक्विड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दो नाम आए हैं, दो वर्ड्स आए हैं। पहला आया है सॉल्यूट और दूसरा आया है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सॉल्यूट की डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट, वन विद द लो क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। और इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कंपोनेंट विद फिजिकल स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि हम अगर कुछ दो कंपोनेंट लेते हैं, मैंने बताया कि हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो एक से दो कंपोनेंट, दो से ज़्यादा ही कंपोनेंट होंगे। यानी कि कोई सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं हम और उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिनमें क्या है, दोनों के फिजिकल स्टेट सेम है। हम फिजिकल स्टेट सेम है तो हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर के साथ हम इथेनॉल या अल्कोहल मिक्स कर दें, ठीक है, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हमारा अल्कोहल है वो भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और इस केस में हम जिसकी क्वांटिटी कम में लेंगे, अगर हमने वाटर वन ग्लास लिया है और हम हाफ वन एंड हाफ ग्लास क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसमें लो क्वांटिटी किसकी है? अल्कोहल की है। तो वही डेफिनेशन यही कह रही है कि जिसकी लो क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाता है हमारा? सॉल्यूट कहलाता है। व्हेन वी मिक्स्ड टू कंपोनेंट्स और उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है, और जिसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होने के बाद जिसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स, यानी कि दो कंपोनेंट से अगर कोई सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है और अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट भी हो, फिजिकल स्टेट सर्टेनली, मेरी बात क्लियरली सुनना, पहले मैंने भी ये कहा कि हमने अगर दो सेम फिजिकल स्टेट के कंपोनेंट लिए हैं और जिसमें जिसकी क्वांटिटी कम है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। इसी के अपोजिट अगर हम फिजिकल स्टेट डिफरेंस भी हो फिर भी जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जैसे हम सॉल्ट और वाटर की बात करते हैं, तो इसमें हमारी सॉल्ट की क्वांटिटी अगर हम कम ले रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, वही हमारी डेफिनेशन भी वही कह रही थी कि इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट, वन विद द लो क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। और इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कंपोनेंट विद द फिजिकल स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वही बोला है कि जिसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या है, हमारे सॉल्यूशन से डिफरेंट हो, वो भी क्या कहलाएगा? हमारा सॉल्यूट ही कहलाएगा। जैसे हमने वाटर और सॉल्ट की बात करी, तो सॉल्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो वाटर से डिफरेंट है और क्वांटिटी भी कम होगी सॉल्ट की, ठीक है, तो दोनों मिक्सड होंगे तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की। जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, हमने होमोजीनियस मिश्रण की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें बोला था हमने जब हम दो प्योर कंपोनेंट्स लेते हैं, यानी कि जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को डालकर पहले कंपोनेंट की इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, यानी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। हमने होमोजीनियस मिश्रण की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने टू प्योर कंपोनेंट्स के बारे में। टू प्योर कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस मिश्रण या सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, हम दोनों कंपोनेंट की क्या कर रहे हैं, हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। हमारे लिए चाहे वो कितनी भी प्योरिटी ऐड कर रहा हो, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेमन जूस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेमन जूस फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, जो हमको अब हमारी नीड के हिसाब से हम उसमें क्या है, शुगर सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं। पहले हमने जब वाटर लिया तो वो क्या प्योर वाटर था, बट हमने जैसे ही उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड किया, कहीं ना कहीं हमने उस वाटर की क्वालिटी यानी कि उसकी प्योरिटी को इम्प्योर किया है वाटर और शुगर ऐड करते हुए। तो वही है, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंपोनेंट था उनका जो इम्प्योरिटी वो क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट, वन इज एक्सिस। अब इसका जस्ट अपोजिट, तो सॉल्यूट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। हमने पढ़ा जो दो फिजिकल स्टेट सेम है और जिसमें लो क्वांटिटी वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। इसी के डिफरेंस में, इसी के अपोजिट अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, बट जो प्रेजेंट है वो एक्सिस में जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट फॉर्म कहलाता है। और इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कंपोनेंट विद द फिजिकल स्टेट सिमिलर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इसी के अपोजिट एक डेफिनेशन ही हो जाएगी, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम ना हो, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो इस केस में जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी वो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी। सॉल्वेंट की क्लियर डेफिनेशन ये होगी कि वो द सॉल्यूशन फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कंपोनेंट विद द सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा उसकी फिजिकल स्टेट जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सॉल्यूशन के सेम होगी। अगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है तो हमारा सॉल्वेंट भी डेफिनेटली लिक्विड ही होगा। और सॉल्यूट क्या हो सकता है, अगर फिजिकल स्टेट सेम होगी तो क्वांटिटी कम होगी, अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, ठीक है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूट ही कहलाएगा। तो यानी कि हम सीधे ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट रहेगा उसकी डेफिनेटली जो फिजिकल स्टेट है वो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन की तरह ही हो, पर जो सॉल्वेंट होगा उसकी डेफिनेटली जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन की तरह ही होगी, ठीक है। ये दो मेन कंपोनेंट है सॉल्यूशन फॉर्म करने के। सॉल्यूशन फॉर्म करने समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा एक उसमें सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट जो होगा हमेशा वही फॉर्म में होगा जो कि हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होने वाला है, और जबकि सॉल्यूट जो होगा वो हमारा फिजिकल स्टेट सेम भी हो सकती है सॉल्यूशन की तरह और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, मैटर के बेसिस पर जो होते हैं हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज वन इन विच अ सॉलिड इन अ सॉल्यूट एंड अ लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, बट डिपेंडिंग अपॉन द थ्री कंपोनेंट्स। क्या है, मैंने जैसा बताया कि हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी जो फॉर्म रहेगा वो हमेशा सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा, यानी कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉल्यूशन की होगी, और जबकि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो फिजिकल स्टेट उसकी सॉल्यूशन से डिफरेंट हो सकती है। अब इसके बेसिस पर बता रहे हैं कि तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो ये रहे स्टेट ऑफ मैटर, दे आर नाइन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैटर की स्टेट को ध्यान रखते हुए कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, नाइन टाइप के होते हैं। सबसे पहला दे रखा है गैसियस सॉल्यूशन, ऊपर दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और कॉमन एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी गैस है हमारा और सॉल्वेंट भी गैस है। इस टाइप में कौन फॉर्म होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड और गैसेस, अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो ह्यूमिडिटी एंड एयर, या ध्यान रखना मैंने बोला था कि सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जैसे कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। सॉल्वेंट हमारा गैस में तो ह्यूमिडिटी एयर, एयर जो हमारी होती है गैसेस फॉर्म में होती है एक तरह से, ठीक है, ह्यूमिडिटी विजिबल नहीं होती इस तरह से।
और सॉलिड, अगर सॉल्यूट जो है हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है हमारा गैस है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कंपोर इन अ नाइट्रोजन गैस। इसी के बाद बात करते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे हो जैसा कि यहाँ पर जैसा जैसा सॉल्वेंट है हमारा, वैसे ही हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी उसी फॉर्म में होगा। जैसे हमारा अगर सॉल्यूट गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन डाइल्यूटेड इन वाटर, है ना। उसके अलावा हमारे जो डिहाइड्रेट ड्रिंक्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स रहते हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वो सारी क्या होती है, वाटर में मिक्स होती है। तो वाटर एक्सिस में होता है और ये जो गैसेज होती है वो तो कम फॉर्म में होती है। तो वही है जो गैसेज है वो हमारा एक तरह से क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या हो गया, एक तरह से सॉल्वेंट हो गया। देन है लिक्विड, लिक्विड अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो क्या होगा। अभी हाल हमने एग्जांपल पढ़ा था अल्कोहल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। उसके बाद है सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट जो हमारा है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है हमारा लिक्विड है, तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ग्लूकोज, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड लिक्विड से मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। देन हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन कौन कौन से, गैस और सॉलिड को मिला दें। अब सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट जो हमारा ये है, ठीक है, और जो और सॉल्यूट जो है ये हमारा ये है, तो सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारे सारा जो मिक्सचर है वो जो हमारा मिक्सचर यानी जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा कहीं में बनने वाला है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे गैस प्लस सॉलिड तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। ऐसे लिक्विड और लिक्विड अगर हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है तो क्या बनेगा, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ऐसे अगर सॉलिड हमारा सॉल्यूट हो, सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा वो भी सॉलिड हो, तो क्या हो जाएगा, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, कॉपर को हम गोल्ड में मिला देते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड फॉर्म होता है क्या, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में की हेल्प से सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, किस किस बेसिस पर, गैसेस के बेसिस पर, सॉलिड के बेसिस पर और लिक्विड्स के बेसिस पर, ठीक है। हर जो कंपोनेंट होगा यानी कि हर जो स्टेट होगी वो तीन तीन टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म कर दिए, जो गैसेस है वो गैस के साथ, गैस जो है लिक्विड के साथ, गैस जो है सॉलिड के साथ, ऐसे लिक्विड भी गैस सॉलिड और लिक्विड के साथ, तो इस तरह से एक स्टेट की यानी कि मैटर की एक स्टेट से हमको तीन टाइप के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो होते हैं हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले बात रहती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी एक्सिस में होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम से फिर वही एग्जाम्पल्स में चलते हैं जहाँ हमने बात कही थी वाटर और सॉल्ट की, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट कौन कहलाएगा हमारा, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है फिजिकल स्टेट अलग है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन फॉर्म करने की बात कर रहे हैं हमारा तो एक्सिस में कौन लेंगे हम, वाटर लेंगे। पर इसके अपोजिट अगर एक्सिस में क्या हो हमारे पास, सॉल्ट ज़्यादा हो और जो वाटर हो वो कम हो हमारा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन यानी कि द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन एक्सिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि हमारा जो है सॉल्यूशन से फिजिकल स्टेट सेम ना रखें, वो वही होता है ना हमारा सॉल्यूट, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद दे रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसी का जस्ट अपोजिट, कंसंट्रेटेड का जस्ट अपोजिट डाइल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाएगा हमारा जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट की जो प्रेजेंस होगी वो कम हो, बिल्कुल बहुत कम हो, तो उसको क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर और सॉल्ट की बात कर रहे थे अभी, तो अगर हम सॉल्ट वाटर में कम मात्रा में मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी में क्या लें हम
सॉल्ट ले, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हम फिर से उन्हीं एग्जाम्पल के पास चलते हैं, हमारा वाटर और सॉल्ट के बारे में। हम एक क्वांटिटी तक वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम बार बार अगर जो हमारा वाटर है यानी हमारा जो सॉल्वेंट एक तरह से उसमें सॉल्यूट यानी कि हमारा जो नमक है वो घोले जाएंगे, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको घोल सकते हैं। ठीक है, तो वही लिमिट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या है जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो एक लिमिट तक घोल सके यानी कि एक लिमिट तक उसको डिजोल्व कर सके, वो हमारा क्या हो जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। वो जैसा कि डेफिनेशन ही कह रही है कि द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें क्या है हमारा जो सॉल्यूट है उसकी और अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते हैं एट डेट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, क्योंकि हमारी वाटर की भी एक कैपेसिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम नमक उसमें अगर डाल देंगे तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जहाँ पर नमक हमारा नहीं घुलेगा, तो वो हमारे ऐसा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, द एक्सेस ऑफ सॉल्यूट क्रिस्टलाइज बेक ऑन कूलिंग। अब क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाए सॉरी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इन अ सॉल्यूट सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, द एक्सेस ऑफ सॉल्यूट क्रिस्टलाइज बेक ऑन द कूलिंग। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है हम सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट हमने सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा अमाउंट डाल दी और अगर हम उसको कूल करने पर जो हमारे जो सॉल्यूट होंगे वो फिर से क्रिस्टलाइज फॉर्म में चले जाएंगे, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें हमने सब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड के बारे में तो पढ़ लिया, बट मेन थिंग रह गई कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ते। जैसा कि यहाँ हमने छोड़ दिया था कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की सॉल्ट की ऐड कर पाएंगे, तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हमने इतना एक्सेस में सॉल्ट ऐड कर दिया है वाटर में कि अब और ज़्यादा सॉल्ट हम क्या कर सकते हैं ऐड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, यानी कि और सॉल्यूट हम मिला ही नहीं सकते, यानी कि और नमक हम यानी कि सॉल्ट हम वाटर में ऐड कर ही नहीं पाएंगे, वो हमारा कौन सा हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्यूशन के बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ा है। अब जो हम इसके फर्दर आगे की जो चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।